क्रिसमस प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको जय यीशु। प्रियजनों, माता कलीसिया हमें दो पवित्र हृदयों के प्रति भक्ति में बढ़ने के लिए सिखाती है। प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के भक्ति एवं मां मरियम के निष्कलंक हृदय के प्रति भक्ति। पवित्र मां मरियम के निष्कलंक हृदय के प्रति जो भक्ति का त्योहार, प्रभु यीशु का पवित्र हृदय के भक्ति के त्योहार के अगले दिन मनाया जाता है। माता कलीसिया इस वर्ष जून 12 तारीख को पवित्र मां मरियम के निष्कलंक हृदय के प्रति जो त्योहार मनाया जा रही है। मां मरियम की महान पवित्रता एवं ईश्वर के प्रति अपार प्रेम ही हमें मां मरियम के निष्कलंक हृदय की ओर आमंत्रित करती है। ईश्वर के मानवीय मुक्ति विधान में सहयोग देते हुए पवित्र आत्मा के अधीन होकर यस कहने के कारण मां मरियम ने निष्कलंक एवं पाप रहित जीवन बिता पाई। मां मरियम का निष्कलंक हृदय अपने आंतरिक जीवन की ओर हमें ले जाते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि दुख एवं खुशियों में मां मरियम कभी भी विचलित नहीं हुई, बल्कि अटल भरोसा में ईमानदारी से आगे बढ़ी। इस बात को हम पवित्र ग्रंथ पे भी देख सकते हैं। जबकि प्रभु यीशु जब क्रूस पर तड़प तड़प कर मर रहे थे, वो देखते हुए भी मां मरियम बिल्कुल विचलित नहीं हुई, बल्कि अपने कदन अपने वचन को पूरा करने के लिए पूर्ण सहयोग दिया, और इसलिए ईश्वर ने उसे सम्मान दिया, जीवन का मुकुट दिया और उन्हें मुक्ति का वस्त्र पहनाया और अपने महिमा से उन्हें ढक दिया। क्यों हम मां मरियम के निष्कलंक हृदय के प्रति आदर करना चाहिए? संत जॉन पॉल द्वितीय इस विषय पे कारण बताते हैं। पहला है, मरियम हमें अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु, जो ईश्वरीय पुत्र है, उन्हें प्रेम करने के लिए सिखाती है। दूसरा कारण है कि हमें सदैव ईमानदार बने रहने के लिए मरियम प्रेरित करती है। तीसरा, ईश्वरीय वाणी को अटूट भरोसा में रखे और उसे पूरे हो जाने के लिए विश्वास दिलाती है। और चौथा, मां अपने जीवन के द्वारा ये हमें विश्वास दिलाती है, दिखाती है कि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मां मरियम के निष्कलंक हृदय के आदर के द्वारा हम प्रभु यीशु के हृदय की ओर ही आदर कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। संत लुईस डी मॉन्टफोर्ट ने कहा है कि यदि हम सब माताओं के प्रेम को एक दिल में कर ले, एक हृदय में कर दे, तो भी अपने बच्चों के प्रति माता मरियम का हृदय का जो प्रेम, उसके बराबरी नहीं कर सकते हैं। प्रियजनों, कैसे प्रभु यीशु का पवित्र हृदय एवं मां मरियम का निष्कलंक हृदय एक दूसरे से संबंध रखते हैं? जिस क्षण मां मरियम ने ईश्वरीय शब्द को ग्रहण किया और मरियम में मुक्तिदाता प्रभु यीशु का देहधारण हुआ, उसी क्षण से लेकर मां मरियम के हृदय से बह निकले हुए रक्त ही प्रभु यीशु के शरीर में भी संचार हुआ है। द हार्ट ऑफ क्राइस्ट वॉज बीटिंग इन यूनिसन विद द हार्ट ऑफ मेरी। प्रभु यीशु का दिल का धड़कन, मां मरियम का दिल का धड़कन दोनों बराबर चल रहा था। प्रभु यीशु का हृदय और मां मरियम का हृदय एक समान धड़क रहा था। एक बार फातिमा के संत लूसिया को प्रभु यीशु ने एक संदेश दिया कि जिस तरह कलीसिया में मेरे अपने हृदय पवित्र हृदय के प्रति भक्ति रखकर मनाया जाता है, उसी प्रकार मेरे माता मरियम का भी निष्कलंक हृदय के प्रति आदर भक्ति रखना चाहिए। क्रिसमस प्रिय भाइयों बहनों, आजकल हम जानते हैं कि हर कई प्रकार के समस्याओं से हम सब गुजर रहे हैं, यहाँ तक महामारी का भी समय है।
तो आइए माँ मरियम के समान, माँ मरियम के अपनात उनके रास्ताओं को अपनाते हुए दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए हम भी हिम्मत बांध ले। पवित्र माँ मरियम के निष्कलंक हृदय की ओर हम में से प्रत्येक व्यक्तियों को समर्पित करते हुए हम जीवन बिताए। आमीन। जय यीशु।